नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मेरे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मुसाफिर अमित। फिलहाल मैं बूंदी के मार्केट में हूं। अभी हमने खाना खाया, खाने के बाद कुछ पताशे वगैरह खाए और मैं पहुंच गया श्री नागणेची मिष्ठान भंडार। और यहां की खास बात दिखाता हूं, पहले तो आप देखिए, ये आपके लिए कुछ यूनिक होगा। देख रहे हैं, क्या आप में से किसी ने जलेबी को इस तरह से बनते हुए देखा है? लोटे से और कितनी शानदार फिनिशिंग के साथ, जिसे आप बोल सकते हैं किसी फूल की तरह यहाँ पर जलेबी बन रही है। थोड़ा और करीब से मैं आपको दिखाता हूँ और ये बन भी बहुत अच्छी रही है। और मैंने इसको टेस्ट किया था, बहुत ही लाजवाब था इसका टेस्ट। तो मुझे थोड़ा अलग लगा ये, पहले मैं जलेबी खा चुका था, फिर उसके बाद में एकदम से हम चाय पीने के लिए रुके, तभी मैंने देखा कि अरे ये तो वही है और लोटे से बना रहे हैं। तो भाई साहब, आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम भंवर सिंह है। भंवर सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर से हैं। और कितने टाइम से आप जलेबी बना रहे हैं? मैं जलेबी करीब 15 साल से बना रहा हूँ। 15 साल से ये जलेबी बना रहे हैं। अच्छा, जब आपने जलेबी बनाना स्टार्ट किया था तब से आप इसी तरह बना रहे हैं या फिर पहले? मैं शुरू से इसी तरह से बना रहा हूँ। और मेरे मतलब जो भी यहाँ आते हैं, जो मतलब शाम के टाइम में बनाते हैं हम जी, 4 बजे से 10 बजे तक, तो इसमें मतलब बूंदी के जो लोकल सिटी की जो पब्लिक है वो इंटरेस्ट से चाव से खाने के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा। दूर दूर से जो भी मतलब विदेशी सेनानी आते हैं, विदेशी भी आते हैं, वो भी पसंद करते हैं। उनको भी मतलब जैसे होटल रेस्टोरेंट वाले यहाँ उनको खिलाने के लिए लेके आते हैं, तो वो भी मतलब काफ़ी खुश होके खा के जाते हैं। चलिए, नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप देखें इसका रंग, देखें आप इसकी रंगत देखिए, आप जलेबी की काफ़ी क्रिस्पी। कलर वगैरह का कोई काम, कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं ये। बहुत सारे जलेबी वाले कलर वगैरह डाल देते हैं, आर्टिफिशियल कलर, और मुझे लगता है वो अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही लाजवाब ये जलेबी बनाई है। और एक बार अगर आपको बूंदी आने का मौका मिले तो मैं आपको बता दूं, श्री नागणेची मिष्ठान भंडार बिल्कुल चौपाटी के बिल्कुल बीचों बीच में इनकी शॉप है। मिठाइयाँ वगैरह भी ये बनाते हैं। मैंने खुद ने जलेबी यहाँ पर खाई है, मुझे एकदम शानदार लगी है। मैं 5 में से 5 नंबर दूंगा जलेबी। और बहुत ही दाम भी इनके वाजिब हैं, आई थिंक 40 रुपये की पाव, 40 रुपये की 250 ग्राम जलेबी, और बहुत ही लजीज ये आपको खाने को मिलेगी। तो भंवर सिंह जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे समय देने के लिए। मैं चाहता हूँ आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो देखा आपने, हमें आसपास ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो यूनिक होती हैं अपने आप में। तो जलेबी खाने के बाद अब हम चाय पियेंगे। आपको लग रहा होगा जलेबी खाने के बाद चाय कैसे पियेंगे? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जलेबी की डिमांड पे कुछ लोग हैं, उनको भी हम जलेबी खिलाएंगे। तो बूंदी जब भी आपको आने का मौका मिले तो प्लीज़ यहाँ पर जरूर आए, चौपाटी पे नागणेची। यहाँ पर मिठाइयाँ भी बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो मैं अमित अलविदा कहता हूँ फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ ऐसे ही किसी खूबसूरत लोकेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।